Hey everyone, welcome back and good evening to all my dear students. This is Shahansa sir and you are watching English study classes by Shahansa sir. आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश स्टडी क्लासेस बाय शहंशाह सर पे. आप देख रहे हैं शहंशाह सर की क्लास, इंग्लिश की क्लास. लेक्चर 26वां आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. पार्ट 26 नाउ सीरीज का हम लोग लेकर के आज चलेंगे. और इस 26 पार्ट की बात करें तो काफ़ी खास और ये अंतिम पड़ाव चल रहा है हमारा. उसके बाद आपकी जो अगर मैं बताऊं तो उसके बाद हम लोग एनालिसिस ऑफ सेंटेंस शुरू करेंगे नाउन का, क्योंकि आज ये नाउन पूरी तरह से हम लोग द एंड करेंगे, समाप्त करेंगे. जो हम लोग फंक्शनल लेकर के चल रहे हैं, फंक्शन ऑफ द नाउन मतलब यूजेज ऑफ द नाउन जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वो आज उसकी क्लास समाप्त हो जाएगी. अब उस नाउन के यूज के बाद अब ये सवाल ये होता है कि सर नाउन का यूज तो हम लोग सीख गए हैं, बट अब ये भी तो बता दो कि नाउन के शब्दों का हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे. ये भी तो बात होती है ना भाई, ये भी एक पॉइंट है. तो इस पॉइंट को भी लेकर के चलेंगे हम लोग, सेंटेंस एनालिसिस ऑफ नाउन लेकर के चलेंगे. मैंने कल भी आपको बताया था जिसमें हम लोग नाउन के सेंटेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, उसके फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके रूल रेगुलेशन को ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरीके से होता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं. आप सभी लोग जुड़ जाएं एक एक करके. मैं आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा देख लूँ, ठीक है, और शेयर करें इस लाइव सेशन को फटाफट जल्दी से. और मेरे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग प्रदीप, राहुल, गुड इवनिंग. चलिए तो फटाफट सेशन को आप लोग लाइक कर दो मेरे भाई, और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है ना. चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से. ओके एवरीवन. हाँ जी, आप भी हो बेटा, आप कहें घबराते यार. जब गजब जरूरी मतलब बोलेंगे तभी समझ में आएगा. चलिए देखिए, हमने जो शुरू किया है आप लोगों को फंक्शनल ग्रामर, ठीक है, फंक्शनल ग्रामर, ठीक है. और इस फंक्शनल ग्रामर में हमने जो शुरू किया है उसका नाम है एडवांस नाउन, ठीक है, एडवांस नाउन. थोड़ा सा इसमें इंक डाल दे, थोड़ा सा ये डार्क हो जाए हैं. और इस एडवांस नाउन की जो हमारी बात चल रही थी, यूनिट ऑफ द नाउन, वो समाप्ति हो चुका है और आज ये पूरी तरह से हमारा समाप्त हो जाएगा. आज नाउन आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है. चलिए तो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे अभी जुड़े हैं, लेकिन लाइक नहीं किए हो यार. सेशन को लाइक कर दो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए आप, ठीक है. दुश्मनी मत निभाओ यार, चलो मोहब्बत थोड़ा सा दिखाओ. चलो देखो, तो एडवांस नाउन की हमने बातचीत शुरू की है, और इस एडवांस नाउन में हमने जो कल से जो टॉपिक शुरू किया है, सम इम्पोर्टेंट नाउन, सम इम्पोर्टेंट नाउन, ठीक है. अब इस सम इम्पोर्टेंट नाउन की बात करें तो कुछ ऐसे नाउन के शब्द जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका अर्थ बदलता रहता है, ये चीज़ हम लेकर के चलेंगे मेरे बच्चों, ठीक है बेटा. अब बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या बात होती है, ठीक है ना. चलो सरकार, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर. आप सभी लोग तैयार हो जाएं तो मैं आपको आज लेकर कर चलता हूं आज लास्ट क्लास में, ठीक है. तो लाइक कर दिए हैं आप लोग तो अच्छी बात है, चलिए बढ़ते हैं. तो कल इस सम इम्पोर्टेंट नाउन में कल जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि देखो वर्क का किस तरह से यूज करते हैं. फिर मैंने आपको बताया था हेयर के बारे में, वर्क और हेयर के बारे में, ठीक है. उस दो कॉन्सेप्ट से आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, कंफर्म हो गई थी. अब तक आपने जो सीखा है आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएंगे कि क्या नज़रिया रहा है. अब आप नाउन के बारे में अब आप क्या सोचते हो, अब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका नज़रिया है, जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है रिलेटेड टू नाउन, आप किस तरीके से सोचते हैं, पहले से मच बेटर, पहले से खराब, पहले से सुपर, कैसा सोचते हैं आप, पहले से कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये भी अगर आप शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको भी लेके चलेंगे. चलिए तो आज की हमारी शुरुआत होगी वर्क. कल हमने ख़त्म किया था वर्ड के बारे में, और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था ये क्या था, हेयर के बारे में. आज हम तीसरा पहलू लेकर के चलेंगे, और इस तीसरी कैटेगरी की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो तीसरा नंबर जो हो गया हमारा उसका नाम है फिश. बड़ा प्यारा सा वर्ड है फिश, ठीक है. आज इस फिश के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसका अर्थ वगैरह होता है, ठीक है.
क्या क्या इसका अर्थ होता है बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, कमेंट आ रहा सर कि पहले से बहुत अच्छा सर, लवकुश भी आ गए, गुड इवनिंग बेटा, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट। हाँ जी, पहले से बेहतर, चलिए बहुत खुशी की बात है। चलते बेटे प्यारे बच्चों, है ना, हमने फिश की यहां पे बात की, फिश के कई अर्थ होते हैं मेरे भाई। फिश का अगर हम बात करें फूड के अर्थ में, तो जब हम फूड के अर्थ में बात करते हैं, फूड आइटम जिसको हम लोग बोलते हैं, फूड आइटम के अर्थ में अगर हम बात करते हैं, तो यह सिंगुलर होता है, याद रखिएगा यह सिंगुलर होता है, ठीक है, बस मैं रहना, यह सिंगुलर होता है मेरे बच्चों। जब हम इस फिश का हम फिशेज बनाते हैं, तो मेरे भाई ये फिशेज हो जाता है, इसका मतलब होता है स्पेसीज। क्या होता है ये स्पेसीज? स्पेसीज का मतलब होता है मछलियों की प्रजातियों की बात की जाती है, प्रजातियां, ठीक है, मछलियों की प्रजातियां। अब सवाल इस पर ये उठता है कि सर इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो मैंने कहा बच्चे प्लीज सर्व, जब ये सिंगुलर होता है तो प्लुरल भी हो जाएगा ना भाई, प्लीज सर्व मी, प्लीज सर्व मी। अब यहां पर आपने कह दिया सरकार फिश या फिशेज, दोनों में से क्या करेंगे? और फिर मैंने यहां पर किया देयर आर, है ना, फिश या फिशेज इन द पाउंड, इन द पाउंड, इन द पाउंड, सॉरी पाउंड नहीं, ठीक है। तो पाउंड मतलब होता है तालाब, तालाब में अनेकों प्रकार की मछलियां हैं, एक सेंटेंस और मैं लेके चलता हूं बेटा, शी कुक्ड टू, फिश होगा कि फिश फिशेज होगा, ये भी आप मुझे बताएंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा। चलिए अब इन सब बातों को लेके चलेंगे, आप कमेंट करें तीनों में क्या करोगे बेटा, ये नंबर मैं देता हूं, पहला दूसरा और तीसरा, फिर उसके बाद लेके चलेंगे आगे की बातचीत। ठीक है ना, तो तीनों का क्या रोल होगा यहां पर, क्या इसका फंक्शन क्या हो रहा है, इस फंक्शन को लेकर के देखना है आपको, ठीक है, इस फंक्शन की बातों को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका फंक्शन वो मुझे आप बताएं। तो प्लीज सर्व मी फिश या फिशेज, देर आर फिश या फिशेज इन द पाउंड, या शी कुक्ड टू फिश या फिशेज, फंक्शन समझिए। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं, फंक्शन का मतलब होता है यूज, ये याद रखिएगा आप लोग, फंक्शन का मतलब होता है मेरे भाई यूज होता है, तो हम यूज पे डिपेंड करेंगे कि क्या इसका मतलब होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बातचीत। तो बच्चों का सर पहला में फिश होगा, दूसरा में फिशेज हो जाएगा और तीसरा में भी फिश होगा, क्या बात है, एट द मोस्ट यू विल नॉट क्लेवर, ये क्या जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, मैं समझ गया यार कि तुम लोग एकदम धुरंधर हो गए हो, एकदम सहवाग की तरह हो गए हो, एकदम बड़ा धुआंधार बैटिंग है कि नहीं। तो मेरे भाई प्लीज सर्व मी, क्या करोगे सरकार यहाँ पे, फिशेस नहीं करेंगे फिश, क्योंकि सर्व का मतलब होता है परोसना, और खाने के लिए जो परोसेगा तो मछली, है ना, फूड आइटम, ये सिमिलर ही होता है। इसका हम कभी भी ईएस लगा करके प्लुरल नहीं बनाएंगे, हाँ अगर प्लुरल बनाना है तो डेफिनेट नंबर के द्वारा हम बना सकते हैं, डेफिनेट नंबर के द्वारा हम बना सकते हैं मेरे भाई, ये याद रखिएगा। उसने दो फिश कुक किया था, ये हो सकता है, लेकिन फिशेज नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर हमारा क्या होगा, फिश होगा, क्योंकि प्रजातियों की बात होती है तो वो तालाब में ही रहेंगे, कोई दो ठो प्रजाति नहीं किया मेरे भाई, समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हम फिश के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, ओके, उम्मीद है आप लोग सारी बात समझ गए होंगे माई डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत जल्दी से फटाफट बता दो, कोई डाउट तो नहीं सरकार, कोई इंकार नहीं ना। चलो देखो तो पहले मेरे भाई, तो ये तीसरा के बाद हमने चौथा नंबर जो आपको लेकर के हम लोग चले हैं, इस चौथे नंबर की बात करें मेरे भाई, तो मैंने यहां पर लिख दिया टाइम, मेरे भाई टाइम, है ना, टाइम का मतलब होता है समय, ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल होता है। जब हम टाइम का टाइम्स लेकर के चलते हैं तो ये अपने आप में बहुवचन होता है, अब ये काउंटेबल हो जाएगा, अब इसका भी कुछ लेकर के चलते हैं मेरे भाई, कैसे, अब इसका मतलब होता है ये बार के अर्थ में हो जाएगा, बार कितनी बार, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब एग्जांपल की बात करें भाई, तो मैंने कहा पहला सेंटेंस टाइम इज मनी या टाइम आर मनी, ये भी आप देखें, मैंने कहा बच्चे टाइम इज प्रीशियस या टाइम आर प्रीशियस, या टाइम इज गॉड कहते हैं यार, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ना। तीसरा लेकर के चलते हैं,
हाउ मेनी टाइम या हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, डू यू रिमेंबर मी, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल आप मुझे करके बताएं, है ना, कितनी बार तुम मुझे याद करते हो, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, है ना, है ना, माहौल वाली बात, आशिकी वाली बात, लेकिन हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, फालतूगिरी पे नहीं बेटा, ठीक है, सबका साथ सबका विकास पढ़ाई के साथ। चलो देखो, तो आप मुझे बताएं जल्दी से फटाफट, हाजी फोर को मैंने रिपीट किया मेरे भाई, फोर यानी टाइम, वही टाइम वाला पूछ रहे हो ना, टाइम अनकाउंटेबल, दूसरा टाइम्स हो जाएगा तो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, तो बात को समझिए। चलिए, तो पहला में दूसरा का इज, पहला का इज और तीसरा में टाइम्स, क्या बात है, पहला में इज हो गया है ना, ठीक है भाई लवकुश। अब गर्मी आ गया यार, प्यास लग जा रहा है, नहीं चलिए देखिए बेटा, देखिए बच्चों, तो टाइम इज मनी होगा क्योंकि यहां पे अनकाउंटेबल की बात है, इसलिए सर पैसा भी अनकाउंटेबल, गॉड है ना, टाइम इज, ठीक है, यहां पे भी अनकाउंटेबल की बात हो रही है, लेकिन हाउ मेनी टाइम की बात करें सर गलत हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स डू यू रिमेंबर मी, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पे हमारा काउंटेबल का सेंस, मैंने कितनी बार आ रहा ना, बार कितनी बार तुम हमसे मिले थे, हाउ मेनी टाइम्स डू यू, कितनी बार हम मिले थे, सो हाउ मेनी टाइम्स डिड वी मीट, कितनी बार हम मिले थे, ठीक है ना, तो इस तरह से आशिकी वाली सेंटेंस भी हो जाएगी। मैं लिख देता हूं हाउ मेनी टाइम्स, है ना, सॉरी, हाउ मेनी टाइम या टाइम्स, ठीक है, डिड यू या सॉरी डिड वी, Did we meet, है ना, कितनी बार हम मिले थे, ठीक है, How many times did we meet, तो कितनी बार, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये अनकाउंटेबल नहीं सर, काउंटेबल की बात कर रहा है, तो जब काउंटेबल की बात करता है तो ये अपने आप पे प्लुरल हो जाता है, ठीक है ना, तो चीज़ों को समझना जरूरी है ना, बाकी तो बकवास लोग करते ही रहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलो देखो बेटा आप ध्यान से, अब समझिए बात को, तो जब हम आगे बढ़े सरकार, तो अब दूसरा जो हमारा पहलू आता है वो पांचवा नंबर देखिए, और पांचवा में आता है CLOTH, क्लॉथ। जब इस क्लॉथ का हम दो प्लुरल बनाते हैं, पहला प्लुरल जो बनेगा CLOTHS, क्लॉथ्स, ठीक है ना, इस क्लॉथ का मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े, ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा मेरे भाई CLOTHES, ठीक है ना, क्लॉथ्स, सिले हुए कपड़े, याद रखना सिले हुए कपड़े, ठीक है, अब ये पूरा तरीका याद रख लेना तब बढ़िया से आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्लॉथ में जैसे ही एस लगा तो बिना सिले हुए कपड़े, और ईएस लगा तो सिले हुए कपड़े, ये दो पैटर्न है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और तीनों कॉन्सेप्ट को समझ करके आप मुझे बताइए, जानकारी ठीक ठाक लग रही है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये अभी तक हमसे दूर था, हमें इन चीजों के बारे में बताया नहीं गया था, हम बेवकूफों की तरह ऐसे ही पढ़ते जा रहे थे ना, उल्लू की तरह, लेकिन अब उल्लू नहीं बनना है, अब हमें सूरज की तरह चमकना है, ठीक है, आंख मिलाना है तूफानों से, ठीक है बेटा। चलिए चलिए, अब कोई दिक्कत किसी को, क्लॉथ और क्लॉथ की जानकारी समझ में आ गई, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा ना, बहुत कई सारे शब्दों की बात लेकर के चलेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी जानकारी आपको समझ में आ ही रही होगी, कितना हुआ पांच हुआ ना, पांच के बाद छह सात पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखो समझने की जरूरत है, अब एक शब्द आता है ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर, अब ब्रदर का भी कई कॉन्सेप्ट बनता है मेरे भाई, ब्रदर के दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या, तो सिक्स नंबर में हमारा हो जाएगा बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर, जब हम ब्रदर की बात करें तो पहला आता है ब्रदर्स, पहला बहुवचन ब्रदर्स, इसका अर्थ होता है बेटा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले भाई लोग, है ना, जिसका पेरेंटिंग सेम हो, है ना,
तो ब्रदर का जब आप ब्रदर्स करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्लड रिलेशन वाले हैं, जैसे यस लगा तो ब्लड रिलेशन वाले, जिसका माँ बाप एक होते हैं, जिसके पेरेंट्स एक होते हैं, तो ब्लड रिलेशन वाले भाई लोग। लेकिन जैसे ही इस ब्रदर का ब्रिदरेन बनता है, BRETHREN, ब्रिदरेन, ठीक है, तो इस ब्रिदरेन को हम लोग बोलते हैं बेटा सोशल, है ना, सोशल ब्रदर्स, ठीक है, ठीक है, या सोशल रिलेशन बोलेंगे तो बड़ा मजा आएगा, सोशल रिलेशन वाले भाई लोग, सोशल रिलेशन वाले भाई लोग, यानी सामाजिक स्तर पर जो ये रिश्ता होता है उनकी बात हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिदरेन, ठीक है। इसको उर्दू में, ये उर्दू शब्द से लिया गया है, ब्रादर से, बिरादर, है ना, हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग बोलते हैं बिरादर, क्या भाई बिरादर क्या है, बिरादर यानी भाई, सामाजिक भाई, नॉट ब्लड रिलेशन वाला, तो बिरादर से बना ब्रिदरेन, बिरादर से क्या बना, ब्रिदरेन बना, ठीक है। अब बात सुना रही है ना, ओके, ध्यान से समझो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं और आगे की ओर। एक शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीन, MEAN, मीन। जब हम इस मीन की बात करते हैं तो मीन एक अपने आप में होता है, मीन अर्थ का बतलाता है, मीन का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। लेकिन जब हम इसी मीन को हम एस लगाते हैं तो मीन्स, इसका मतलब हो जाता है साधन, ठीक है ना, बस मारे, जिससे इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या अर्थ है या क्या मतलब है, ठीक है ना, तुम्हारा क्या अर्थ है या तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या अर्थ है या तुम्हारा क्या मतलब है, ये दोनों हो जाएगा, जो भी आपको शब्द अच्छा लगे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन इस मीन्स का मतलब होता है साधन, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या हम लोग बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं मेरे भाई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स साधन है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बस मारिए ना। तो ये मीन का दो सेंस हुआ, एक तो पहला अर्थ हो गया और दूसरा हुआ मीन्स में, जैसे ही मीन में एस लगा तो इसका मतलब हो गया साधन का सेंस, ठीक है, बस मारिए ना, एकदम इजी तरीके से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है। जब हम चलते हैं आठवें नंबर पे, तो ये आठवां होता है हमारा शेड, ठीक है, बड़ा ही खास अंतर है, और नौवां नंबर होता है हमारा शेडो, दोनों में अंतर देखो बेटा, तो शेड का मतलब भी छाया होता है हिंदी में, और शेडो मतलब भी छाया, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर ये है। अब अंतर क्या है सर, उसको देखते हैं, तो शेड होता है नॉन लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है, किसका होगा, नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है ना, और शेडो होता है लिविंग थिंग्स का, है ना, लिविंग थिंग्स का, ठीक है। अब बस बारी, जैसे एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं यहां पर, तो आई सेट इन द, अब क्या भरोगे, ऑफ द ट्री, चलो बोलो, शेड भरोगे कि शेडो भरोगे, बताओ, शेड भरिएगा कि शेडो भरोगे भाई, क्या आप यहां पे फिलअप कर सकते हैं, चलिए ये क्या है भाई, प्रदीप कुमार शायरी बता रहा, लोग डूबते हैं तो समंदर का दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो तकदीर का दोष देते हैं, खुद संभल कर चलते नहीं, ठोकर लगने पर पत्थर का दोष देते हैं, अरे क्या बात है। चलिए, तो आई सेट क्या होगा भाई, आई सेट इन द शेड ऑफ द ट्री, बिल्कुल सही जवाब, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो शेड यहां पर हम लोग करेंगे, यानी यहां पर जो आपका सेंस होगा मेरे बच्चों, SHADE, शेड, क्यों, क्योंकि पेड़ अपने आप में क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है, इसलिए हमारा ये शेड होगा, शेड ऑफ द ट्री, क्योंकि पेड़ अपने आप में नॉन लिविंग, ठीक है। अब वो बायोलॉजी में जाना के साथ इसमें जान होता है, तो चलो उतना नहीं कि ग्रामर है, ठीक है ना, बात को समझिएगा, ओके, चलो मेरे बच्चों। अब देखो भाई, अब इस नौ के बाद जब मैं दसवें नंबर पे लेके चलता हूं, तो दसवां में आता है एक शब्द ग्लास, बड़ा प्यारा सा है, इस ग्लास को समझिएगा आप लोग। जब हम ग्लास की बात करें तो ग्लास का पहला जो अर्थ निकल के आता है शीशा, और यह शीशा का अर्थ अनकाउंटेबल ही होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इस ग्लास का हम दूसरा सेंस लेकर के चलते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है ग्लासेस, ठीक है, ठीक है, ग्लासेस, और ग्लासेस का मतलब आपको पता ही है मेरे भाई, ये आपको स्पेक्टिकल्स का सेंस होता है, यानी चश्मा आप बोल सकते हैं, जो आंखों पे लगाते हो। एक और सेंस अगर मैं बताऊं, तो ग्लास का जो हमारा दूसरा सेंस निकल करके आएगा, है ना, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पानी पीने के अर्थ में आप इसको बोलते हो
टम्बलर ऑफ वाटर, ठीक है ना, टम्बलर ऑफ वाटर, ये चीजें याद रखिएगा। बोलचाल की भाषा में ग्लास ऑफ वाटर चलता है, बिल्कुल चलता है, कोई शक नहीं है, बट टम्बलर इज अ परफेक्ट, है ना, जो हम लोग आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो ये ग्लास का हमारा सेंस हुआ। चलिए अब यहां तक की लॉजिक को देखो सरकार, कोई दिक्कत कोई समस्या फटाफट जल्दी कमेंट करो 6 7 8 9 10, उसके बाद चलते दो चार शब्दों को और लेकर के करेंगे मेन खास बात, ओके। तड़पाए तरसाए रे, सारी रात जगाए रे, प्यार तेरा दिल की सर्दी। चलिए तो अब चलते हैं इस 10 के बाद 11 12 को भी कंप्लीट कर लेते हैं, और उस 11 12 में क्या है भाई, तो उन शब्दों को लेके चलते हैं, कौन कौन से शब्द हैं। चलिए तो 10 के बाद हमने 11 किया, और इस 11 में आता है मेरे बच्चों फ्रूट, ठीक है। और इस फ्रूट की बात करें तो फ्रूट के कई अर्थ निकल कर के आएंगे। पहला जो अर्थ निकल के आया, तो इस फ्रूट का मतलब हो गया, पहला तो फ्रूट लेके चलो क्या हुआ, फल, ठीक है ना। लेकिन जैसे इस फ्रूट में हमने फ्रूट्स कर दिया, दूसरा नंबर एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स, तो इसका मतलब दो होता है, एक तो एक से अधिक फल होता है और दूसरा होता है रिजल्ट, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, रिजल्ट यानी परिणाम, बात समझ रही है ना, परिणाम। अंतर देखो, बहुत ही खास अंतर है यार, हम लोग बचपन में ये सब पता ही नहीं था, बचपन से हमें सिखाया गया फ्रूट मतलब फल, और जवानी पे भी पढ़ते वही चीज सिखाते हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट का, तो और भी पूछो मत सर, बिहार का खास कर तरीके से, मैं डिस्ट्रिक्ट को क्यों बदनाम किया जाए, है ना, बिहार हमारा पिछड़ा है ये शिक्षा के मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपनी अंदर की गलतियों को पहचानना चाहिए, जितना जल्दी हो सके सच्चाई को मान करके तब आगे बढ़ो, तब कामयाबी मिलेगी। बेवकूफों की तरह उल्लू बने रहेंगे ना, तो उससे कोई कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा, तो फ्रूट का मतलब हुआ एक फल, और फ्रूट्स का मतलब हो गया यहाँ पर रिजल्ट की बात की जाती है, एक से अधिक फल का भी सेंस हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बात मारी है। आओ मेरे बच्चों अब कुछ खास बात और कर लेते हैं, अंतिम ये हुआ मेरे बच्चों पी ए एल ई पेल हो गया, और तीसरा हो गया पी ए आई एल पेल हो गया, ठीक है। इसका उच्चारण बहुत ही खतरनाक है, लेकिन करें तो क्या करें, अंग्रेजों ने बनाया है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस पेल का मतलब होता है बच्चे लाइट येलो कलर, है ना, लाइट येलो, ठीक है, यानी हल्का पीला पड़ जाना, हल्का पीला, ठीक है। वो भी किस चीज से, लाइट येलो विथ फ्राइट, लाइट येलो विथ फ्राइट, एफ आर आई जी एस टी, फ्राइट का मतलब होता है डर से, तो डर से हल्का पीला पड़ जाना, डर से हल्का पीला पड़ जाना, डर से, मैं पूरा लिखता हूं यार, डर से हल्का पीला पड़ जाना, डर से हल्का पीला पड़ जाना, चेहरे का हम डर जाते हैं ना, हल्का पीला पड़ जाना, ठीक है। तो चेहरे जब हम देखते हैं ना ऐसे कोई भूत वगैरह का डरावना चीजें, या कभी कोई डरा देता है हमें, तो हम डर जाते हैं, चेहरा एकदम हल्का लाइट येलो, तो उसको पी ए एल ई, है ना, पेल का उच्चारण बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना, बात मारी है। ओके चलिए, दूसरा जो पी ए आई एल है, उस पेल का मतलब होता है बच्चे बकेट, बकेट यानी बाल्टी को बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बी यू सी के ई टी, बकेट, ठीक है, यानी बाल्टी, ठीक है, बाल्टी, ओके, बाल्टी की बात होती है ना। अब दूसरा एक सेंस और नजर आया, है ना, 14 और 15 पूरा खत्म कर देते हैं। एक होता है पेन, और एक होता है पेन, जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर से दोबारा बता रहा हूं, आप देखिएगा, पी ए एन ई और पी एन ई, इसको बताने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है बात को समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है ना, बात को समझो, ठीक है, टेंशन ना लो मेरे भाई, करो आगे की पढ़ाई, ये है सहनशाह सर की। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हाँ जी, पेन मतलब ग्लास होता है बच्ची, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पेन का मतलब हुआ, आप इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये ग्लास के सेंस से होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना विंडो पेन,
विंडो पेन है ना, तो विंडो पेन ठीक है, याद रखिएगा शीशे का जो ग्लास होता है उसको विंडो पेन बोलते हैं मेरे भाई। और ये इस पेन का मतलब तो आप लोग जानते हो, एक होता है, एक का मतलब होता है दर्द, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को है ना भाई, बस मारिए। तो इस तरीके का हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपके दर्द का, ये टोटल मिला करके सम इम्पोर्टेंट नाउन में हमने 15 चीज़ें कंप्लीट किया, सारी 15 बातें हमने समाप्त किया मेरे बच्चों। आप पूरी तरह से देख लीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आज की जानकारी। ये आपका टोटल एडवांस नाउन समाप्त हो गया, कल से हम लोग शुरू करेंगे एनालिसिस, सेंटेंस एनालिसिस ऑफ नाउन, कल से हम लोग शुरू करेंगे सेंटेंस एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ नाउन, ठीक है, सेंटेंस एनालिसिस ऑफ नाउन मतलब नाउन का वाक्यों में किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग बातचीत कल से अब शुरू करेंगे। ये आपका फंक्शन खत्म हो गया, अब हम एनालिसिस पर चलेंगे और ये एनालिसिस हमारा शुरू होगा। टोटल 26 लेक्चर में समाप्त हुआ, अब सारी चीजें आप पूरा ऑब्जर्व करो, जब शुरू से जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग देखे हुए हमारे वीडियोस को है ना अपलोड होने के बाद, तो आप मुझे बताएं सारी जानकारी किस तरह से आप लोग का फीडबैक रहा है मेरे बच्चों, बताइए फटाफट जल्दी। मॉस्किटोज तो यहां पे बहुत ज्यादा है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आया सारी बात? हाँ जी चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है, नाउन का प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देते हैं, कल कर देंगे उसको है ना, कल कर देंगे उसको। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जो भी बच्चे हैं और जो भी कल मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था आप सभी लोगों को, वो 200 रुपये आप असाइनमेंट के लिए जमा कर सकते हैं, आप लोगों का लैपटॉप पे चलेगा। ये नाउन ख़त्म हो गया है, बस थोड़ी सी चीज़ें और चलेगी सेंटेंस एनालिसिस में, 2-3 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा, तो वो भी हम लोग करेंगे ठीक है। लैपटॉप पे मैं आपको पैड पे आपको बताऊंगा सारी चीज़ें असाइनमेंट के लिए, तो 200 जमा कर दीजिए आप सभी लोग। कल की अनाउंसमेंट मैंने किया था, आप जितना जल्दी हो सके, गूगल पे नंबर है मेरा 8676059062 है ना, इसी नंबर पे आप जाओ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, 8676059062 ठीक है। चाहे आपका फोन पे हो है ना, चाहे आपका गूगल पे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो ठीक है। चलिए तो आज की जानकारी को, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियोस को शेयर करो मेरे भाई, जितना हो सके शेयर करो, और सब्सक्राइब अगर जो बच्चे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड जय हिंद एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टीच, सॉरी सॉरी सॉरी।